मैं इस वक्त खगड़िया विधानसभा में खड़ा हूं और मेरे साथ कृष्णा यादव है। जी हां, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृष्णा जी पूनम यादव की बहन है और साथ ही रणवीर यादव जी की पत्नी भी हैं। ये आरजेडी से चुनाव लड़ चुकी हैं। इनके परिवार में ये दोनों बहनें, ये पूनम यादव जेडीयू से अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रही हैं और 4 बार विधायक भी रही हैं और कृष्णा जी अब उनके समर्थन में आ चुकी हैं। तो कृष्णा जी से बात करते हैं कि किस तरह का समर्थन इस बार मिल रहा है। देखिए, कहीं भी हम जाते हैं, हम चुनाव प्रचार में अपार समर्थन मिलता है, क्योंकि हम अपने पब्लिक को और जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे अभिभावक है, उनको हम लोग बहुत, रणवीर जी, पूनम जी, हम बहुत आदर पूर्वक से हम उनका काम करते हैं, सम्मान देते हैं। क्षेत्र में जो विकास होता है, जो विकास करते हैं, अब विकास के साथ साथ सबसे पहला बात क्या है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो सम्मान देते हैं, ये हुजूम आपसे पता, उससे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ क्या सम्मान मिलता है। तो सम्मान के साथ विकास करते हैं और आप देख सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन कृष्णा जी, आप ये बताइए, क्योंकि बार बार ये मीडिया में उछाला गया है कि एक ही परिवार की दो बहनें और खासकर तौर पर रणवीर यादव जी का बाहुबली के तौर पर नाम सामने आता है, तो आप दो बहनें अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, जो इस परिवार को बार बार मीडिया में उछाला जाता है। देखिए, दो पार्टी, हम तो दोनों बहन हैं और जो पति पत्नी दोनों दो पार्टी में है, वो कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, ये भी तो देखना होगा। लेकिन हम अभी एक ही पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं, NDA गठबंधन समर्पित प्रत्याशी पूनम देवी यादव का तीर छाप का हम प्रचार कर रहे हैं, अपनी बहन का कर रहे हैं, अपने परिवार का कर रहे हैं, अब खगड़िया आवाम तमाम गरीब गुरबा के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप RJD से चुनाव लड़ चुकी हैं, आपने राष्ट्रीय जनता दल को क्यों छोड़ा? देखिए, हम सबसे पहले हम अपने परिवार के हैं, हम अपनी बहन के हैं, उसके बाद हम पार्टी देखेंगे। अगर पार्टी हमको कमान देता तो देखते, लेकिन अभी हम अपनी बहन का प्रचार कर रहे हैं, बहन को जिताने में लगे हुए हैं। तो आपने लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे लड़ा, इस बार JDU के पक्ष में क्या माहौल है, या जिस तरह से तेजस्वी यादव हर मंच पर कह रहे हैं कि परिवर्तन की दरकार है और उनके सभा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे वो कह रहे हैं कि इस बार नीतीश बाबू हट जाएंगे? देखिए, जन सैलाब से वोटिंग नहीं होता है। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव में भी बहुत जन सैलाब थे, रिजल्ट देख लिए, अभी विधानसभा में भी आप रिजल्ट देखिएगा, नीतीश जी की सरकार बनेगी और हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारी बहन पूनम देवी अपार बहुमत से जीत के बिहार विधानसभा। ये कहा जाता है कि आप बाहुबली परिवार से हैं, इसीलिए एक बहन RJD को चुन लिया, एक बहन JDU को चुन लिया, ताकि सत्ता में बरकरार रहें, जिनका शासन होता है उस हिसाब से आप पार्टी चुनते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मेरी बहन JDU के विधायक थी हैं, और उस समय तो अपनी बहन का प्रचार की, पार्टी का प्रचार तो की नहीं। लेकिन उनको कहा भी गया था राष्ट्रीय नेतृत्व में कि पूनम जी अपने पार्टी के खिलाफ करिए, अपनी बहन वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रचार करिए, तो शीर्ष नेता जो है बोले नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं, वो कोई किसी पार्टी के प्रचार नहीं कर रही है, वो अपनी बहन के प्रचार कर रही है, बहन उसके लिए करते हैं, वो बहन उसके लिए करते हैं, हम दोनों बहन एकदम सामंजस्य के साथ अपना चुनाव लड़ते हैं। आपको क्या लगता है, लगातार आप सत्ता में हैं, आपकी बहन जीतती रही हैं, आप भी राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार रही हैं, क्या आपके परिवार से कोई विधायक और MP इसलिए बना है क्योंकि आपके पास पूरा बाहुबल है? देखिए, हम बाहुबल का तो दो अर्थ होता है, हम बाहुबल वो बाहुबल नहीं है जो बच्चा चोर किरने पर है, हम बाहुबल हैं जनता जनार्दन का बाहुबल, हमारे पास जनता मालिक है, हमारे पास जनता है, जनता मालिक होता है, जनता ही सबको बल देता है, आज हमको जनता बल दिए हैं, इसीलिए जनता बाहुबल ही। तो ये आपने सुना, कृष्णा यादव जो कि अब पूरी तरह से अपने बहन का समर्थन कर रही हैं, जाहिर तौर पर इनका जो पारिवारिक इतिहास है उसमें इनके ससुर भी राजनीति में थे, और ये बात और है कि इन पर, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बाहुबली हैं, लेकिन इनका इनके साथ जो भीड़ खड़ी है इनके घर पर, तो ये इनकी लोकप्रियता का भी परिचायक है।
जाहिर तौर पर इस बार कृष्णा जी अपनी बहन के समर्थन में उतरी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूनम यादव पांचवी बार भी विधानसभा जाने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। इस समय खगड़िया से TV9 भारतवर्ष के लिए पंकज कुमार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।